रेडी पीछे चलो, पीछे चलो सारे। स्टार्ट। मनुष्य जीवन ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में एक और एक ग्यारह होने का भाव दिखाई पड़ता है। विराम। मनुष्य 10 ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों से संचालित होता है तथा 11 इंद्रिय मन है। विराम। इन इंद्रियों का आपस में मेल मिलाप जब तक बना रहता है तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। विराम। सृष्टि में भी सूरज चांद सितारे पेड़ पौधे नदियाँ झरने सभी जीव जंतु एक दूसरे के पूरक हैं। विराम। भगवान शंकर के परिवार को विरोधों का सामंजस्य माना जाता है। विराम। खुद शंकर जी के सिर पर जटा में जल और चंद्रमा की अग्नि गले में विषधर सर्प तो पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर एक दूसरे के प्रतिरोधी होकर मेल मिलाप भाव में रहते हैं। विराम। इसी तरह शंकर जी का वाहन नंदी तथा माँ दुर्गा का वाहन शेर गणेश जी का वाहन चूहा तथा सर्प भी आपस में विरोध छोड़कर परिवार में एकता के भाव में स्थित है। विराम। मनुष्य शरीर में द्रव पदार्थ के रूप में रक्त जल तथा रसायन है लेकिन अनेकानेक रोम छिद्रों के बावजूद वे शरीर से बाहर नहीं जाते। शरीर पोषण में लगे रहते हैं। विराम। इसके अलावा भगवान राम और लक्ष्मण एक और एक ग्यारह होकर ही रावण का वध करने में सफल रहे और इसी तरह कृष्ण तथा बलराम कंस के आतंक को समाप्त कर सके। विराम। पैरा। इन सारे उद्धरणों से यही प्रकट होता है कि मिलजुल कर काम करने से काम में सफलता मिलती है। विराम। समाज में उस व्यक्ति का सम्मान अधिक होता है जो जिसके साथ जुड़ता है उसका वजन बढ़ा देता है। विराम। जबकि बहुतेरे अपने स्वार्थ में मतलब का साथ रखते हैं। विराम। मेल मिलाप का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास ने दूध और पानी से किया है। विराम। दूध के साथ जब पानी मिलता है तब दूध का वजन बढ़ जाता है। विराम। दूध पानी को अपना स्वरूप दे देता है। विराम। जो अपने हित के लिए साथ के
लोगों के प्रति छल करते हैं तथा दूसरों के जीवन की सुख शांति छीन लेते हैं, उन्हें इन उद्धरणों से सीख लेनी चाहिए। विराम, पहले इसको पढ़ो, सेल पढ़ो, उसके पास टाइप करना, ठीक है? पहले पढ़ो इसको।